मैं भी साझा अपने उस दिन नमस्कार और ये भी साझा द टीचर इसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ बच्चों में एक विशिष्ट अतिथि हैं जिन्होंने बच्चों पर बहुत कुछ लिखा है। उनका नाम है मनोहर चमोली उर्फ मनु और वो गढ़वाल के मुख्यतः निवासी हैं और बच्चों के साहित्य के संबंध में कोई ऐसी विधा नहीं है जिस पर उन्होंने कलम नहीं चलाई हो। और मैंने भी उन्हें कई पत्र पत्रिकाओं में भी पढ़ा है। बहुत अच्छा लिखते हैं, बाल मनोविज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और आज हम उनसे बच्चों की कुछ कहानियां सुनेंगे, बच्चों की कुछ कविताएं सुनेंगे और सबसे बड़ी बात यह जानेंगे कि वो बच्चों के लिए लिखते हुए बच्चे कैसे बनते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ों का लिखना बहुत मुश्किल काम है। बच्चे तो बच्चों के लिए लिख सकते हैं क्योंकि वो खुद बच्चे हैं, बच्चों के मनोभावों को समझते हैं, लेकिन बड़े जब बच्चों के लिए लिखते हैं तो उनको बच्चों के स्तर पर जाके सोचना होता है, बच्चों के स्तर पर जाके कल्पनाओं को करना होता है और उसके बाद तो शब्दों में होता है जो बहुत आसान नहीं। और चमोली जी साथ हैं रोज की तरह साथ है सीशन जोशी जी और मुकेश प्रसाद जी। नमस्कार सभी को, जैसे सभी को नमस्कार, आप सब बहुत बहुत स्वागत है। कोई कल वाली समस्या है भरजी के साथ? कोई बात नहीं, भटजी शायद भटजी के साथ में नेटवर्क की समस्या हो रही है, तो मैं जो हमारे दर्शक लोग हैं मैं उनका आज फिर एक बार स्वागत करता हूं द टीचर शो में भटजी की तरफ से और गिरी जोशी जी की तरफ से। आज हमारे साथ में है शिक्षक साथी मनोहर चमोली जी जो पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज केवर्स में हिंदी के अध्यापक हैं। आप मुख्य रूप से बाल साहित्यकार हैं, बच्चों को जो बाल मनोविज्ञान है और बच्चों का सहज स्वभाव है इसको लेकर आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, कुछ किताबें भी लिखी हैं। आपकी रचनाएं जो बच्चों की जो हिंदुस्तान के जो खास तौर से जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जितनी भी बच्चों से संबंधित पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं आपकी कहानियां उसमें जो भी आप लिखते हैं उसमें प्रकाशित होती रहती हैं। आपकी कहानियों का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, इसके अलावा आपने कुछ कहानियां कुछ किताबें भी पुस्तकें भी लिखी हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से जो भाषा रश्मि पाठ्य पुस्तक जो हमारी है बुरास हंसी खुशी उसमें भी आपका लेखन है। पंचायत प्रदर्शन पंचायत के लिए जो एक पुस्तिका निकली है पथ प्रदर्शिका उसके लिए भी आपने लेखन का काम किया है। विभिन्न प्रवेशिकाओं के लिए लेखन आपने किया है, कविता कहानी नाटक व्यंग समीक्षा में निरंतर लेखन करते रहते हैं, रंग ज्योति ज्ञान विज्ञान बुलेटिन का संपादन भी करते हैं। प्रकाश आपके द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, उत्तराखंड की लोक कथाएं किलकारी यमलोक का यात्री ऐसे बदला खानपुर बदल गया मालवा बिगड़ी बनी बात खुशी अब बचाओ ताली कई किताबें आपने लिखी हैं जो नेशनल बुक ट्रस्ट से और हिंदुस्तान के देश के जो अच्छे प्रकाशक हैं बाल साहित्य के संदर्भ में आपके लगभग 7-8 किताबें अब तक हो चुकी हैं। आपकी कई कहानियों का अनुवाद मराठी में और सही विदेशी भाषाओं में भी आपकी कहानियों का अनुवाद हुआ है। शैक्षिक विभाग की एक पत्रिका निकलती है जो शिक्षा के सरोकारों पर अपने विचार विभिन्न विचार रखती रहती है, एक विमर्श चलाती है, आप उसके संपादक मंडल में भी हैं। तो मनोहर जी आपका स्वागत है इसमें। तो इससे पहले आप हम पहला शुरुआत ये करते हैं, आपसे पहला सवाल ये रहेगा, आप तो काफी बड़े हैं तो ये बाल साहित्य आप
बच्चों की रचनाएं क्यों लिखते हैं ये, मतलब बच्चों वाली बात क्यों करते हैं आप? हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं क्या बच्चों वाली बात करते हैं यार, है? तो आप गंभीर बातें नहीं करते हैं, बच्चों की बातें क्यों करते हैं आप? जी तो सबसे पहले तो नमस्कार, मैं विविधा के संचालक श्री डॉक्टर डी एन भट्टी का भी अभिनंदन करता हूँ, सह संयोजक हमारे मिर्ची बाबा श्री मुकेश प्रसाद बोगणा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, और हम एक बार आपसे मिलने आए थे दिल्ली CCRT में बाल साहित्यकार रजनीकांत शुक्ल जी के साथ, तो आप अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो आप दूसरी पारी की बधाई। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति बुजुर्ग होता है उसके अंदर भी एक बच्चा होता है, और हम सब लोगों के अंदर एक बच्चा होता है, और बच्चे को मरना नहीं चाहिए, उस बच्चे को बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जो सवाल इसका एक उल्टा वो भी है, चीन में कहा जाता है यदि आप बचपन को अपने गले से लगा के रखोगे तो कभी बूढ़े नहीं होगे। जी बहुत बेहतर बात आपने कही, और दुनिया भर में ऐसे साहित्यकार, हम चीन का बहिष्कार लेकिन नहीं होता, अच्छी बात है सर जी, चारों का बहिष्कार नहीं होता है। और वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करें तो अब सारी दुनिया एक गांव है, सारी दुनिया एक शहर है, सारी दुनिया में बच्चे एक जैसे रोते हैं, सारी दुनिया में बच्चे एक जैसे हंसते हैं। तो जो सवाल है उस सवाल पे आते हैं कि जो पूरी दुनिया में जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें तब तक लिखने पढ़ने वाला लोग नहीं कहा जाता जब तक वो बच्चों के लिए नहीं, साथी ने बहुत सारी बात की तो आधा साहित्यकार आधा साहित्यकार क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिखा है पर मैंने बच्चों के लिए अभी नहीं लिखा तो, और दूसरा जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य है वहां भी ये भी विधेय हो रहे हैं मनोहर जी वहां पौड़ी में जहां पर जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे नेटवर्क थोड़ा पोर रहता है। अच्छा लेकिन जो आपने जो बहुत बड़ी बात कही कि जो चीनी कहावत की जो अगर आप अपने बचपन को अपने गले से लगा के रखेंगे तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, ये बहुत गंभीर मतलब ये बहुत गंभीर बात है। और हर आदमी देखिए हम लोग सामान्य चर्चा में जब कहते हैं ना तो हम कहते हैं कि भगवान बच्चे में निवास करता है, बच्चे का हृदय सरल, लेकिन जब कोई बच्चे जैसी बात करता है तो उसको मजाक करते हैं कि क्या बच्चों जैसी बात कर दी, ये विरोधाभास है हमारे। हम बच्चे को अच्छा भी मानते हैं, भगवान का अवतार भी मानते हैं, लेकिन मौका मिलते ही हम अपना बड़प्पन अपना अपनी उम्र लोगों में थोपने लग जाते हैं, तो हम एक द्वंद्व में जी रहे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना? तो मुझे अगर हम समाज कोई भी व्यक्ति इस द्वंद्व से अगर मुक्त हो जाए तो वो ज्यादा सहज तरीके से समाज में अपने आस पास परिवेश में रह सकता है। खासतौर से एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो अपने बचपन को हमें शिक्षक के पास में दो किताबें होनी चाहिए, एक की डायरी और एक की जो लेसन प्लान है। आजकल तो लेसन प्लान बनते नहीं है, होता है अभी भी? सर ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि बनते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ये ऑफ द रिकॉर्ड बड़ा फेमस हो गया हमारे प्रोग्राम में, ऑफ द रिकॉर्ड पूरे जग पूरे विश्व में जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड बनते हैं। अच्छी अच्छी बात, अच्छी बात बनते हैं सर, लेकिन जिस तरह से बनने चाहिए वो एक प्रकार से मैं मतलब इसको कहने में कोई हिचक महसूस नहीं करूंगा, वो गिने चुने अगर हम अपवाद छोड़ना तो फॉर्मेलिटी रह गई, फॉर्मेलिटी रह गई है एक प्रकार से। तो हमारे साहित्यकार जी और हमारे अपूर्वापन जी आ गई है जो हमारे रेगुलर वो है दर्शक, अपूर्व पंजी आ गए हैं। अपूर्व जी नमस्कार, कई सारे टीचर, दिनेश पांडे जी, अंजना पंजी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, ज्योति गांधी जी हैं, मनीष शाह जी हैं, नवीन पांडे जी हैं, मनीषा ठेकेदार,
वेस्ट बंगाल से जुड़ गई हैं। तो मेरा इनसे आग्रह रहेगा कि आप लोग अपने सुझाव भी दे दिया करें बीच बीच में, में कोई कोई ऐसी चीज छूट रही होगी जो बहुत जरूरी हो, या हम ओवरलुक कर जा रहे हैं, या हम उसमें दोहराव कर रहे हूं, तो इसको इनके या इनके क्षेत्र में जो अच्छे टीचर हैं जैसे ज्योति गांधी जी के और मनीषा जी के या नवीन पांडे जी के, कल एक ने कहा था कि मुझे डॉक्टर भट्ट के इनविटेशन का इंतजार है, तो ऐसे कई सारे हमारे आप करते टीचर्स हैं जो आना चाहेंगे और जिनको आप प्रकाश में लाना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। जी 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 बिल्कुल ठीक बात। अब मैं थोड़ा सा फिर ऑफ द रिकॉर्ड बात को कहूंगा कि जो हमारा जो आज तक का जो ये जो मौजूदा पिछले 25-30 साल में जो मीडिया का या इसका जो ढंग बन गया है, ये अच्छे कामों को देख नहीं पाता है, देखता है थोड़ी देर के लिए देखता है, और हमें लगता है कि हमें अब देखिए वो कल वो जो परसों विकास दुबे जो मारे गए, विकास दुबे जिनको मतलब एनकाउंटर में हुए, वो विकास दुबे को लेकर इतनी चर्चा चल रही है, मैं टीवी पे देख रहा था, अखबारों में देख रहा था। एक अपराधी अगर मारा जाता है तो वो काम जुडिशियरी का है, उनका काम है, ये सामान्य चर्चा में जरूरत होती है। मनोज जी आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अगला सवाल मतलब अगला क्या पहला सवाल आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? हाँ सर, वो सवाल ये है कि वो सवाल पूरा नहीं हुआ था। एक शिक्षक के नाते आप कहानी से और शिक्षक का क्या रिश्ता देखते हैं? भाई आप और भी विधाएं थी भाई, शिक्षक को तो किताबें पढ़नी चाहिए, अपना सिलेबस क्या देखना चाहिए, दुनिया भर के हमारे जो प्रोजेक्ट आते हैं उनको करना चाहिए, ये कहानी क्यों चुनी आपने? देखिए अभी जो आपने किस्सा सुनाया और इससे पहले आप जो जोशी जी से बातचीत कर रहे थे, वो भी क्या है, वो भी कहानी है। कहानी मतलब कहन से बनी है, और जो कवि है रचनाकार है उसकी कसौटी ही गद्य है, और गद्य में जो कहानी है वो जैसे ही हमारी मौखिक परंपरा से जैसे ही हम शब्दों में आए तो सबसे पुराना जो मामला है वो कहानी का बनता है। तो जब मैं 26/11/2005 को स्कूल में आया, पहला दिन मेरा था नियुक्ति का, तो बच्चों को देख के मुझे लगा यार इन बच्चों के साथ कहानी के साथ काम किया जाए, और कहानी ये माना जाता है कि सारी विधाओं में सबसे सशक्त, सबसे धारदार, सबसे असरदार, सबसे जानदार और सबसे शानदार चीज है, तो इसीलिए मुझे लगा कि कहानी में हमें आना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण आपने कही कि हमारी बच्चों के पास, खास तौर पे हमारे जो सार्वजनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास एक अदद भाषा की किताब होती है पूरे साल भर, और उस पूरे साल भर वो उस किताब के साथ अपने मनोभावों को, अपनी अभिव्यक्ति को रखता है। तो कितना अच्छा हो कि उसके पास हजारों हजारों कहानियां हो। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना कहानियों की ओर जाया जाए, ऐसी जो लोक कथाएं हैं जो वाचिक परंपराओं से आपने सुनी, हमने सुनी, तो अब हम भी इस समाज की, इस दौर की कहानियों को आगे ले जाएं। जी, इसलिए मुझे लगा कि कहानियों की ओर जाना चाहिए। जी, तो अब एक छोटा सवाल और उठता है कि हम ये डिस्टिंग्विश या फर्क कैसे महसूस करेंगे, कौन सा बाल साहित्यकार है, कौन सा वयस्क साहित्यकार है, और कौन सा बुजुर्गों का साहित्य है, कौन सी कहानी किसको पढ़नी चाहिए। मैं ये जिसको बोलते हैं सीमा, अब मैं बच्चों की कहानी पढ़ता हूँ तो क्या मैं बाल साहित्य का वो माना जाऊंगा? ये थोड़ा सा बताएंगे आप कि बाल साहित्य को हम कैसे वो करेंगे, मतलब साहित्य को परिभाषित नहीं किया, साहित्य को परिभाषा में नहीं पाता जा सकता। तो इसमें जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये बाल साहित्यकार कोई अलग से मामला नहीं है, हम लोग और आप लोगों ने इसको साहित्यकार के आगे बाल जोड़ दिया है। देखा जाए तो साहित्यकार ही बाल साहित्यकार है और बाल साहित्यकार ही साहित्यकार है। अब जो आपने सवाल किया कि ये कैसे तय करें, जब बच्चे के अंदर पढ़ने का चस्का लग गया एक बार, चाहे वो पहली क्लास में पढ़ता है, दूसरी क्लास में पढ़ता है, तीसरी क्लास में पढ़ता है, अगर उसके अंदर पढ़ने का चस्का लग गया है और वो पढ़ लेता है, तो फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि वो बच्चों की कहानी पढ़े, कॉमिक्स पढ़े, या फिर घर में रखा हुआ कोई ग्रंथ पढ़े। ये सवाल है। हाँ, जो सरल है लेखन, सरल लेखन जैसे मैं अभी कुछ कहानी आपको सुनाऊंगा, अगर वो सरल लेखन है तो बच्चे उसको बड़ी आसानी से पढ़ने की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे आप दोनों साथी हैं इस समय यहाँ पर, अगर मैं आपको एक साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ कोई कहानी सुनाने लग जाऊं तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, अगर मैं इस तरीके से कोई कथा सुनाऊंगा तो आपको मजा आएगा।
तो जो हमारी कथाएं हैं उसमें क्या है, सरलता है। तो जब हम घर में टीवी देखते हैं तो आप बच्चों को ये नहीं कहते कि आपका कार्यक्रम नहीं, वो सारे सास बहू के सीरियल भी वो भी देखते हैं। अगर आप विकास दुबे की बात कर रहे थे वो समाचार वो भी देख रहे थे। बच्चों के लिए कोई अलग से साहित्य नहीं है। हाँ, अगर आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखे सरल तो उनको ज्यादा पसंद आएगी। तो ये बात थी सर जी, बहुत सही कहा आपने। मेरे ख्याल है जोशी जी इस बारे में और बेहतर तरीके से समझते होंगे क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के कई बाल साहित्यकारों के हाथ में बच्चों के साथ में ज्यादा उससे काम किया है। नहीं, पहले इनकी कहानी सुन ली जाए। मनोहर जी ने जो कह रहे थे कि मैं सुनाऊंगा करके, अगर आप सुनाना चाहें बहुत लंबी मत सुनाइएगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आप मेरी तरफ मत देखिए क्योंकि मैं बहुत लंबी लंबी कहानियां सुनाता हूँ। तो आप थोड़ी से करिएगा कि छोटी कहानी सुनाएं आप। तो मुझे लगता है कि हम पहले बातचीत कर लें क्योंकि अच्छा तो ये होगा कि आप लोग तलाश करें मेरी कहानियों को और पढ़ें। लेकिन चूंकि बहुत सारे साथी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो मैं कुछ, देखिए हमारी जिम्मेदारी क्या है। देखिए आप लोगों ने आज 27वां एपिसोड आप कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। मेरे लिए तो एक घंटा है जी। देखने वालों के लिए जो सुविधा है उसके हिसाब से, लेकिन आप लोगों ने 27 घंटे दे दिए हैं अपने, ये एक बड़ी बात है। अब मैं यहाँ पर अपना गान करने लग जाऊं तो वो कोई मायने नहीं रखता। हाँ, मैं कुछ बाल साहित्य की कविताएं और कहानियां आपको सुनाना चाहूंगा जो हमारी समृद्ध परंपराओं में है। मैं अपनी कहानियां सुनाने लगता हूँ यहाँ पे तो वो कोई मजा नहीं आएगा उसमें। हाँ, एक आध कहानी मैं जरूर सुनाऊंगा, अभी हमारे बहुत समय है बाद में, तो अभी हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। जिसको आप 10 अच्छी कहानियों में से गिनते हो, सर्वश्रेष्ठ कहानियों से गिनते हो और या कविता में से गिनते हो, अब आपकी दृष्टि से, तो उनमें से कोई एक तो अगर आप सुनाएंगे तो हमारे जो दर्शक है। मनोहर जी ने बहुत अच्छी बात कही, कविता में शब्द हैं, कविता में शब्द हैं और शब्द उसकी अनिवार्य इकाई भी है कविता की। जी सही कह रहे हैं आप। और उसकी जो कहना चाहिए अक्षर सत्ता है, उसकी सार्थकता भी है, तभी वो शब्दों कविताओं में पिरोई जाती है। तो एक कहानीकार कवि बनता है, कवि कहानीकार होता है, तो वो आज बहुत अच्छा मुझे लगता है अनुभव रहेगा हमारा और हम इनसे काफी प्रश्न जानना भी चाहेंगे। मैं एक बड़ा उत्सुक भी हूंगा कि आप, चूंकि आपने कहानी कहने की एक कला है और साथ में आप कवि भी हैं, तो जब आप स्कूल में गए, ये बात का प्रश्न है लेकिन ध्यान में रखिएगा, जरा हमें बताइएगा अपने मनोभाव, आपने कभी ऐसा सोचा कि जो बच्चे लेसन पढ़ रहे हैं आप उस पर कोई कविता बनाएं? क्योंकि मैं पहला अपना एपिसोड याद करूं तो उसमें हेमंत बिष्ट जी आए थे, उसके बाद रावत जी आए थे और हमारे जितने कलाकार आए, जितने भी सार्थक विद्वान शिक्षाविद इसमें आए, उन सब ने ये कहा कि हमने प्रयास किया, स्पेशली गढ़वाल अंचल में काफी इसका प्रयास हुआ जो मैंने अभी एपिसोड्स में देखा, कि जो लेसन पाठ हैं जिनको थोड़ा कृष्ट भी लगता है और थोड़ा रुचिकर बनाने के लिहाज से हमारे सभी विद्वानों ने बहुत कोशिश की कि हम उसको रोचक बनाएं, और रोचक उन्होंने कविता के माध्यम से बनाया। नाटक तो बहुत कम हुए, नाटक की बात नहीं हुई, अभी मनमोहन चौधरी जी से बात हुई थी जो अल्मोड़ा में है, लेकिन कविता में बहुत प्रयास हुए हैं। चूंकि आप सबने कवि मन भी है और आपने प्रयास भी किए, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइएगा। बिल्कुल, बहुत नहीं, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका और इस कहानी हम सुनाएंगे जरूर। पहले साथी लोग भी थोड़ा इस गंभीरता पूर्वक विमर्श में जुड़ जाएं, हमारे साथी तो हम आगे कहानियों का स्वाद भी लेंगे। पर जो आपने सवाल किया वो ये है कि दिल्ली मुंबई कोलकाता बड़े बड़े एसी के कमरों में बैठे हुए जो साहित्यकार हैं उनसे अच्छा साहित्यकार हमारा अध्यापक है। वो इसलिए आप मेरे सामने होते मैं चूम लेता अभी आपको। सर क्या बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर, क्योंकि आप तो हमारे अध्यापक साथियों के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं सीसीआरटी में, हम हर साल नए बच्चों के साथ रूबरू होते हैं, कक्षा 6, 7, 8 और हमसे पहले जो प्राथमिक अध्यापक है वो कितने मासूमियत के साथ, कितनी अबोधता के साथ, कितने बालपन के साथ हर रोज के किस्से बच्चों के जो है। बिल्कुल, अगर हम पहाड़ के संदर्भ में देखें कि हमारे स्कूल में अगर 50-40 बच्चे ही रह गए हैं तो हर रोज 40 किस्से हैं, एक अध्यापक के पास 40 किस्से हैं और 40 किस्सों से 40 कहानियां हैं। अगर 200 दिन स्कूल खुलता है तो 800 कहानियां बनती है सर एक अध्यापक से एक नित्य वर्ष में। बिल्कुल, मैं एक बंबई से एक पत्रिका निकलती है नवनीत भारतीय विद्या भवन की, उन्होंने उन्होंने तो शुरुआत की थी कुछ
मूर्धन्य साहित्यकार और कुछ जाने माने लोगों से कि अपनी पहली कहानी सुनाइए, तो उसमें एक सज्जन ने अपनी कहानी लिखी थी, उसमें एक सेंटेंस उन्होंने कमिट किया था, उन्होंने कहा था कि हर आदमी के अंदर कम से कम 10 कहानियां हैं, हर आदमी के अंदर। अध्यापक ऐसा साहित्यकार है जिसके अंदर 200 कहानियां रोज की, मतलब अध्यापक तो ऐसा एक सेशन की आती है, ऐसा खेत हो गया या ऐसी बगवारी हो गई जिसमें हर पल एक नई कहानी उनसी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं बड़ी माफी के साथ उन साहित्यकारों से माफी चाहता हूँ जो अध्यापक नहीं है लेकिन साहित्यकार है, उनके प्रति मेरा सम्मान का नजरिया कम नहीं हुआ है। लेकिन जो सर का सवाल है, उनका सवाल ये था कि कहानियां कैसे जन्म लेती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में एक स्कूल और स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक के पास जो कहन है, जो किस्से हैं, जो कथाएं हैं, वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, किसी के पास। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रातःकालीन सभा से लेकर छुट्टी का घंटा बजने तक बच्चों के मनोभावों को देखें, उनकी गतिविधियों को देखें। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो बच्चे अपनी समस्याएं और सवाल लेके हमारे पास आते हैं, तो वो कहते हैं अरे यार तुम्हारे मुकदमे सुनकर हम चलो। हम ये भी है, हमारे साथ ऐसे भी साथी हैं जो रोज की समस्याओं को बहुत ज्यादा नहीं सुनना चाहते, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी 40,000 शिक्षक अध्यापक साथी बड़े, वो 40,000 साथी एक एक कहानी भी लिखे हैं, तो साल में 40,000 कहानियां बनती है सर। बिल्कुल सर, और तो कितना समृद्ध मामला हो सकता है आपके इस मंच के माध्यम से मैं हाथ जोड़ने से। और वो कहानियां ऐसी होंगी जो जीवन से रची बसी होंगी, बिल्कुल यथार्थ से जुड़ी हुई होंगी। हमारे एक साथी जो रेगुलर दर्शक है अपूर्व पंत दिल्ली से, वो ये लिखते हैं कि हम जब 6वीं से 8वीं कक्षा में होते तब प्रत्येक छात्र को सुबह असेंबली में नैतिक शिक्षा पर कहानी सुननी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं होता क्योंकि मूल्य जरा हमारे बढ़ गए हैं या घट गए हैं कहना चाहिए, लेकिन तो अब नहीं होता। अब जो सवाल है ना सर, नैतिक शिक्षा का सवाल जो आया आपकी तरफ से, तो उस पर भी थोड़ा सा मुझे कहना जरूरी है। अगर नैतिक शिक्षा में इतना दम होता है, जो पूरी नैतिक शिक्षा है, मतलब पूरी कि सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो, शराब हटाओ, अभी लॉकडाउन जैसी खुला एक दिन करोड़ों रुपए की आमदनी हुई, तो इसका मतलब हम लोगों ने बच्चों को या हमारे आसपास झूठ का जो आवरण है, ये कहानियां बच्चों को पसंद नहीं आती। बच्चों की दुनिया की कहानियां, बच्चों के अपना जो उनका नजरिया है उसकी कहानियां तो है नहीं, जो नीति वचन है, संदेश है, आदेश हैं, निर्देश हैं, ऐसी कहानियां ना हमें पसंद आई थी, ना जोशी जी को कभी पसंद आई होंगी, और ना ही आर्मी मैन और मिर्ची बाबा को कभी पसंद आई होंगी। जिसमें बच्चों का आनंद हो, जिसमें बच्चों के मजे हो, जिसमें बच्चों को उल्लास हो, ऐसी कहानियों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है सर। लेकिन तो एक बात बताऊं, जैसे आपने नैतिकता की बात की, मुझे याद है नैतिक शिक्षा की बात की, नैतिकता बहुत जरूरी है। मेरी ईजा ने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई। मैं खाना बर्बाद कर रहा था एक दिन, मैं शायद तीसरी या चौथी क्लास का होऊंगा, मैं खाना बर्बाद कर रहा था, तो ईजा ने ये कहा कि गिरी एक बार एक परिवार था एक देश में, उसमें 7 भाई बहन रहते थे, और वो 7 भाई बहन कुछ अकाल पड़ा और उन्होंने तिल का दाना 7 भाई बहनों ने बांट के खाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज 50 साल हो गए, 55 साल हो गए, मैं खाने से पहले जब आचमन करता हूँ और जब बलि देता हूँ तो मुझे वो कहानी याद आती है। उसने इतना प्रभाव मेरे इतना ज्यादा डाला कि मुझे आज तक वो कहानी याद है कि एक तिल का दाना 7 भाई बहनों ने बांट के खाया। वो एक ऐसी शिक्षा थी जो मुझे मतलब जीवन पर्यंत याद रहेगी। जी वो हमारे उत्तराखंड की लोक कथा भी है। बिल्कुल हाँ। अच्छा। मनोहर भाई थोड़ा हो गया लेकिन मैं इसको दोबारा उसी से जोड़ रहा हूँ। हमने जब नैतिकता की बात की, नैतिक शिक्षा की बात की, तो बड़े आदमियों की नैतिकता में और बच्चों की नैतिकता में बहुत अंतर होता है। अब अच्छा एक बार जो इनकी जोशी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, तो क्या आपको ये खाना कम करने का या खाने को बर्बाद करने के लिए क्या किसी स्कूल की किताब की जरूरत पड़ी? ईजा ने तो जब हमारी रोजमर्रा के जीवन में ये नैतिकताएं मानवीय मूल्य हो, तो कहने का सिर्फ अभिप्राय कहने का मतलब सिर्फ इतना था जोशी जी कि हम ठूंसे ना नैतिकताओं को, आदेशों को, निर्देशों को, हिदायतों को ठूंसे ना जबरन, जो हमारे आदत में हो। मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं टीवी में लगा हूँ, तो मेरे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे कहानियां? मैं खुद कुछ नहीं लिखता हूँ,
तो मेरे बच्चे कहाँ से लिखेंगे, सवाल इस बात का। मैं खुद तो मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि अरे फोन आएगा तो बेटा बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो कौन सी नैतिकता बच्चे में, कहाँ से वो चीजें आएंगी। तो वो जो झूठी आदर्शवादिता है उससे बचने की जरूरत है। और हमारा जो बाल साहित्य है उसमें से 70-80% जो छल और प्रपंच और गड़े हुए खजाने की बात करता हुआ, भूत प्रेतों की बात करता हुआ और ये आदर्शवादी नजरिया थोपता हुआ, ये है। इसलिए बच्चों को पढ़ने से बच्चे और दूर हो रहे हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि बहुत अच्छी कहानियां हो, बहुत मजेदार कहानियां हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली कहानियां हो। अब बच्चा जानता है कि ट्रेन टाटा नहीं कर सकती कि ट्रेन को टाटा करो तो ट्रेन वापस टाटा करेगी। बच्चों को पता है कि पेड़ चलता नहीं है। तो यथार्थ की कहानियां चाहिए, अनुमान और कल्पना की कहानियां तो चाहिए। अभी मैं सुनाऊंगा आपको ऐसी कहानियां भी, तो ये थोड़ा सा होगा सर हम ही सब लोगों को और हम अध्यापकों को पहले। तो जी मेरे ख्याल है चर्चा बहुत गंभीर हो गई है, थोड़ा इसको बच्चों जैसी बनाने के लिए कविता सुनाते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। नहीं तो ये हम जो बहस कर रहे हैं बड़ों वाली बहस हो गई है, थोड़ा रखा जाए। तो अगर आप कोई कविता छोटी सुनाए जो आपको अच्छी लगी हो। जी तो देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, चंदन यादव जी की कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है। और देखिए बच्चों के लिए ऐसी किताब अगर हो जी। ये देखिए कितनी छोटी सी कहानी है, मैं आपको एक मिनट में खत्म कर दूंगा इस कहानी को, तो बच्चे पढ़ेंगे। ये खतरे में सांप, खतरे में सांप, सारे जानवर थे, बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली, अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। मीटिंग खत्म हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह तकते बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। कहानी कोई नीति वचन, कोई आदेश, कोई निर्देश नहीं, लेकिन अगर इसको हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से देखें तो फिर अगर कहानी में स्पष्टीकरण देना पड़े तो मजा नहीं आएगा। ये समझ तो सुनने वाले साथी इसका अनुमान लगा कि बच्चे अब सांप बेचारा कैसे। अब एक कविता और सुनाते हैं आप। जी जी आज की मतलब आज के बच्चों के लिए जो कविता है, एक कविता आपको और सुनाते हैं। ये शिवचरण सिरोहा जी की कविता है। देखिए अब मैंने जो बात की थी यथार्थ की, लेकिन इसमें अनुमान और कल्पना आया है, कैसी आई है, लेकिन कैसे आई, तर्क के साथ आई है, जरा सुनिएगा। एक पत्ता गिरा धड़ाम, एक पत्ता गिरा, पत्ता एक पत्ता गिरा धड़ाम, धरती हिली, पर्वत भिड़े भड़ाम। ये कैसे हुआ, क्या तुमने उसको छुआ। कविता खत्म। अब उठो लाल आंखें खोलो, मुंह लाई हूँ पानी लाई हूँ मुंह धोलो। इन इन कविताओं का उस दौर में उस समाज में जरूरत थी। आज लाल नहीं लाली भी है, जेंडर नहीं है, तो हमको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। सर परिवेश बदलता है तो हमें मान्यताएं जो पुरानी रूढ़िवादी मान्यताएं उभर के आती हैं तो हमें उनमें भी बदलना पड़ेगा। उठो लाल की जगह उठो लाली भी होना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही है जी। अब एक और कविता मैं आपके सामने रखा हूँ, कितनी सुंदर आज के बच्चों के हिसाब से कविता, छोटी सी कविता, चाउमीन चाउमीन। कोई संदेश नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, हाँ, लेकिन देखिए कवि ने कैसे बच्चों के साथ इस चाउमीन को लाया है। मोहम्मद अरशद खान जी है हमारे मित्र, उनकी एक कविता है, चार पंक्तियों की कविता। देख देख ललचाता, देख देख ललचाता, लेकिन समझ ना पाता, इनको यूं ही खाऊं या पहले सुलझाऊं सुलझाऊं। बहुत अच्छे आपने भी कहा था कि बच्चों के स्तर पे ऐसे आना होगा ना, बच्चे क्या क्या चाहते हैं,
बच्चे बड़ों की दुनिया में ही जीते हैं, उनको देखिए सर, ये जो बच्चे हैं ना हमारे, इन बच्चों के लिए कोई अलग से दुनिया तो आने वाली नहीं, वो इसी इसी दुनिया में बड़े होंगे, इसी दुनिया में चुनौतियां झेलेंगे, संघर्ष झेलेंगे, और जो हमारे आसपास झूठ का जो सारा आवरण है, जो शक्ति स्वयंभू शक्तिधार वाले लोग हैं, उनके सामने उन्होंने सामना करना है। तो हम कब तक परियों की कहानी सुनाएंगे, कब तक हम राजाओं की कहानियां सुनाएंगे, यथार्थ की कहानियां कब सुनाएंगे? मैं आपको किस्सा यार बताता हूँ, मैं 5 साल पहले, पुरानी बात है, मैं 8वीं 9वीं के बच्चों के साथ में बात कर रहा था कि आगे कौन क्या बनना चाहता है। बच्चे बैठे थे, मैंने घटना बिताता था, तो कोई फौजी बनना चाहता था, कोई पुलिस वाला बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई वकील बनना चाहता था। एक नया गुरु जी मैं तो पठान बनूंगा, अब ये मेरे लिए नई चीज होगी। मैंने कहा पठान बनने वाला पहला बच्चा देखा, 8वीं का बच्चा था सर, ये है 2012 की बात, 8वीं 9वीं में था सर, 2012 की बात है कि मैं प्रधान बनूंगा। मैंने पूछा भाई ठीक है, फौजी देश की रक्षा करेगा, पुलिस वाला अपराधियों को पकड़ेगा, डॉक्टर लोगों का इलाज करेगा, भाई प्रधान के रूप में तुम क्यों क्या करोगे? मैं एस्टोनिश लगे, मतलब मेरे लिए एक बड़ा वो था, एकदम से सॉफ्ट कि गुरु जी मैं कमीशन खाऊंगा। अब 8वीं 9वीं का बच्चा अगर इस बात को समझता है कि गाँव में प्रधान या पंचायत सदस्य को कमीशन खाएंगे और उसकी ये बन गई है, तो इसका मतलब उसने सीख लिया। किताब में तो लिखा था कि सदा सच बोलो, हमने नीति वचन पढ़ा है सदा सच बोलो, भारतवासी भाई है, लेकिन उस गांव ने आसपास ने उसको सिखा दिया कि बेटा तुझे कमीशन भी खाना है ना। ये अभी याद आ गई मेरे को अपने को। तो बस बच्चे समाज से ही सीखते हैं, हमारे अनुकरण से ही सीखते हैं, हमारे आसपास वो सारा छल प्रपंच सीखते हैं। अब देखिए वो जो आपने उदाहरण दिया दुबे साहब का, दुबे साहब इसलिए कह रहे हैं कि अब तो चले गए हो, तो क्या उनका कोई बच्चा नहीं है? क्या उनके कोई परिवार नहीं है? किसने उसको संरक्षण दिया, किसने उसको प्रश्रय दिया? तो लेकिन देखिए रातों रात हाईलाइट हो गया, तो उसका जो दूसरा पक्ष है, उसकी जो बुराइयां हैं, उसको बहुत तेजी से बहुत सामने से शिद्दत के साथ हमको रखना चाहिए कि देखिए बुराई का जो अंत है वो खराब है, अंत कोई साथ नहीं देगा उसका, परिवार भी साथ नहीं देगा। तो लेकिन जब वो उस बुराई की ओर पहला स्टेप उसने बढ़ाया था, तो क्या हम समाज की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको रोकते, उसको टोकते, उसको समझाते? तब हमारे में से ही कुछ लोगों ने उसकी हॉप पीट थपथपाई होगी, कुछ लोगों ने उसको संरक्षण दिया होगा। आज हालत देख लीजिए आप। जी मुझे एक छोटी सी बाल कथा याद आ गई जो मैंने 5वीं या 6वीं में पढ़ी थी बहुत पहले, कि एक डाकू था, तो जब वो पकड़ा गया तो राजा ने उसको फांसी की सजा दे दी। तो ये कहा जाता था कि अंतिम उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो डाकू से उसने पूछा भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मैं अपनी पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो जब पिताजी मिलने आए तो उसने पिताजी का कान में कुछ कहने के बाद कान काट दिया, तो राजा को उसने कहा जब मैं 4वीं में था, मुझे 4 साल का था, मैं एक फल चुरा के लाया था और मेरे पिताजी ने मुझे सवासी दी थी, अगर उस दिन मेरे पिताजी मुझे टोक देते तो आज मुझे फांसी नहीं होती। जी जी आप अपनी बात तो आगे बढ़े, फिर एक कहानी और सुनाता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। देखिए कैसे अनुमान और कल्पना से एक कहानी कैसे आगे बढ़ती है और कितनी शानदार तरीके से बच्चों को बड़ा मजा आता है उसमें। ये हमारे त्रिपुरारी शर्मा की एक कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, भगो भैंस। भगो भैंस, भगो भैंस। त्रिपुरारी जी बाल नाटकों में, बाल नाटकों में बहुत काम किया। जी जी त्रिपुरारी जी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जी तो भैंस, भैंस को ऐसे नहीं कहते, भैंस कहते भैंस। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी शानदार कहानी है, बड़ी अनुमान और कल्पना के साथ में इसके चित्र भी आपको दिखाऊंगा। और जोशी जी ने बता दिया त्रिपुरारी शर्मा जी के बारे में, तो हमारा भी मकसद यही है कि हम कुछ अच्छे रचनाकारों की कहानियां यहाँ पे चर्चा करें। मेरी कहानियां तो जो अगर अच्छी लगेंगी तो लोग ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, और वो आत्ममुग्धता से हमें बचना होगा, आत्म प्रशंसा से। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, इस कहानी को विमर्श चला जाए। बरसात भगो भैंस सींग दिख गए, फिर जब हवा चली तो गीले सींगों पर धूल मिट्टी जम गई,
भवन में पहुंचाने धूल मिट्टी जम गई, वहां से शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद हुआ कि उड़ती हुई चिड़िया की चोंच देकर किसी पेड़ का बीज सींग पर गिर पड़ा, वो जहां सींग पर मिट्टी थी, भवों को पता ही नहीं चला। अब आगे क्या होगा सर, आपसे पूछता हूँ, आप क्या होगा बताइए, बच्चा सोचेगा क्या होगा। धीरे धीरे बीज से अंकुर फूटा, देखते ही देखते पौधा बड़ा होने लगा, कहाँ पर, वो उसकी सींग पर, उस पर पत्ते उगाए, टहनियां फैलने लगी। देखिए क्या अनुमान और कल्पना है, सींग पर धूल मिट्टी जमी, उस पर एक चिड़िया ने बीज गिराया और वो बीज सींग पर बड़ा होने लगा, टहनियां फैलने लगी, सभी भवों का हाल देखते चिंतित होते, मगर भवो कतई परेशान न थी, वह कहीं भी बैठी रहती। अब देखिए पेड़ इतना बड़ा हो गया, धूप तेज होने पर बाकी भैंसे छाया के लिए इधर उधर भागती, मगर भवों के लिए अब उतना हिलना जरूरी न था। वह हंसकर कहती, मेरे पास तो अपनी छतरी है, बाकी सब कहते भी तो क्या, उसके सींग पर उगा हुआ पेड़ जो था। अब एक चिड़िया ने उस पेड़ पर घोंसले बना डाला, बहुत बढ़िया, उसने भवों से कहा, देखो हिलना डुलना नहीं, इसमें मेरे अंडे रखे हैं, अंडे। भवों ने थोड़े नखरे दिखाते हुए कहा, पर मुझे तो खाना चाहिए ना। ये देखिए साहब, है चिड़िया ने कुछ सोचा, उसे भवों की बात सही लगी, उसने बाकी चिड़ियों से कहा, हम भवों को वहीं खाना पहुंचा दिया करेंगे, मतलब उसकी सींग पर, मतलब भगो हिले ना, वो जहां बैठी हिले, हिले लो। बस अब भगो को और क्या चाहिए था, मजे से बैठकर खाती और सींग पर लगी छतरी की छाया में आराम करती। बहुत बढ़िया, बस खत्म होने वाली है। उसका वह रूप देखते ही बनता था, सींग पर पेड़, पेड़ पर पत्ते, पत्तों के बीच फूल, फूलों के बीच एक घोंसला और घोंसले में दो अंडे। कोई कहता, भगो तुम बहुत आलसी हो, तो वह कहती, इतना तो कर रही हूं, ऐसा काम कोई कर सकता है क्या। बहुत बढ़िया, लेकिन सच तो यह था कि उसकी इस बात का किसी के पास जवाब ही नहीं था। सबको पता था, अंडों में से निकलेंगे बच्चे, बच्चों पे आएंगे पंख, पंख फैला के उड़ जाएंगे वे एक दिन, पर भवो टस से मस न होगी, यूं ही बैठी रहेगी। ये कहानी है साहब, ऐसी कहानियां बच्चों को कोई संदेश नहीं है, कोई नीति वचन नहीं है, लेकिन बच्चों को बड़ा मजा आता है इस कहानियों में, और शब्द भंडार बढ़ता है, वाक्य विन्यास बढ़ता है, भाषा समृद्ध होती है, अनुमान और कल्पना जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं भाषा के। तो भाषा कहानी से एक कहानी से एक चीज याद आ गई मेरे को, कहानियां पहले भी हमारे पाठ्य पुस्तकों में हुआ करती थी, और आप चूंकि पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी या सीसीईआरटी द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें बनाई गई है बच्चों के लिए, आप उसमें भी आपका योगदान रहा है, और आप पहली से लेके दसवीं तक के बच्चों के बीच में पढ़ा रहे हैं उनको, तो पहले की जो पाठ्य पुस्तकों की कहानियां थी या पहले पाठ्य पुस्तकों की जो विषय वस्तु थी, अब जो नई आई है, इसमें कुछ आप बुनियादी अंतर देखते हैं आप, या आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि कोई चीज मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग? ये बड़ा शानदार सवाल है साहब,
देखिए जो हम तीनों लोग हैं, भटजी नहीं है, हमने जब से मोबाइल आया तब से कितने मोबाइल बदल दिए, और जो किताबें हैं मतलब वो हमारे दादाजी भी वही किताब पढ़ेंगे, हमारे पिताजी भी वही किताब पढ़ेंगे, हम भी वही किताब पढ़ेंगे। जो विकसित राष्ट्र है वहां हर 5 साल में किताबें बदल जाती है, और जो हमारे यहाँ 2018 से NCERT किताबें लगी है उत्तराखंड में, वो भी NCERT ने 2006 में बनाई थी। तो क्या तेजी से किताबें नहीं बदलनी चाहिए? बच्चों की दुनिया बदल रही है, हमारे घर में रखा मोबाइल बदल रहा है, हमारे घर के पर्दे बदल रहे हैं। तो हमारे बच्चों की जो समस्याएं हैं, बच्चों के जो भाव हैं, बच्चों की जो बोध है, बच्चों की जो दुनिया है, हमारी जो जीवन पद्धति है, वो सब बदल रही है। प्रेमचंद ने 1937 में एक सम्मेलन में कहा था कि जो परियों की, जादू की, गड़े हुए खजानों की कहानियां उस दौर में थी, पंचतंत्र की कहानियां उस समय जरूर थी उनकी बच्चों के लिए, लेकिन आज हमें यथार्थ वाली कहानियों की जरूरत है। प्रेमचंद ने कहा, मैंने नहीं कहा, और 1937 में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा, मेरे पास वो बकायदा पर्चा लिखा हुआ रखा हुआ है। प्रेमचंद की बात कर रहा हूँ, हमारे कथाकार, महान उपन्यासकार, सम्राट, उन्होंने ये बात 37 के दशक मतलब 40 के दशक में कह दी। तो जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्यों ना बदलें, लेकिन हम अध्यापकों की ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के हिसाब से अपडेट हों। जोशी जी बैठे हैं, हमारे बहुत सारे अधिकारी भी सुनते हैं आपके टीचर्स शो को, मैं उनके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है, जब एक बच्ची एक विश्व सम्मेलन में कह सकती है कि हाउ डेयर यू, आपने हमें कैसी दुनिया दी है, हम सबके हमने सपने देखा, तो आप कब तक बच्चों को ठगाएंगे? इसलिए जो हमारी किताबें NCERT की जो हैं वो बहुत शानदार किताबें हैं। 1947 के बाद की NCERT 2005 के बाद जो किताबें आई हैं वो इस समय बेमिसाल किताबें हैं, लेकिन वो भी 2006 में बनी है, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं आया हुआ है। जो मुकेश बगोड़ा जी का सवाल था कि वो क्या मिस है, मिस कुछ नहीं हुआ है, समय के साथ साथ चीजें बदलती है, हमें भी बदलना होगा, हमें बच्चों के स्तर पर आना होगा। बच्चों की दुनिया क्या है, बच्चों की चैलेंज क्या है, बच्चों अब चिट्ठियों की बात तो नहीं रह गई ना सर, कौन चिट्ठियां लिख रहा है, आप खुद बताइए, आपने पेन से एक पेज में कब लिखा, तो अब आप चिट्ठियां लिखवाएंगे तो वो नहीं चलेगा। अब वो रिंग वाला जो टेलीफोन है वो चला गया, उसका समय गया, रखिए आप म्यूजियम के तौर पर, लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि आप दूसरा लगाइए तो नहीं चलेगा। अब ब्लैक एंड व्हाइट का टीवी आप खरीदने जाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो जो चीजें जब तेजी से बदल रही हैं तो क्यों ना हमारी पाठ्य पुस्तकें बदलें। और जो मिस वाली बात है वो इसलिए मिस हो रही है कि मैं अध्यापक 15 साल से अध्यापक हूँ, एक स्कूल में हूँ, 2 स्कूल में हूँ, 3 स्कूल में हूँ, लेकिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया इन 15-20 सालों में, या जो जोशी जी हमारे CCERT में रहे, इतने शिक्षकों ने वहां पे प्रशिक्षण लिया, इतना सब कुछ सीखा, वो तो कहीं से कहीं चले गए और आप जो है सेवानिवृत्त होकर घर आ गए। तो हम जो अध्यापक हैं हम तो अपनी जगह पर, लेकिन हमारे पढ़ाए हुए बच्चे दुनिया में कहाँ कहाँ चले जाते हैं। इसलिए भी हमारी पाठ्य पुस्तकों का बार बार बदलना बहुत जरूरी है। जोशी जी हाथ उठा रहे थे, सब कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा था कि मुझे जो लगा कि NCERT ने काफी बदलाव किया अपनी पुस्तकों में, आप देखिए पिछले 4 या 5 साल में उनकी सारी पुस्तकें कलर हो गई, कार्टून्स आ गए, ये आ गए, तो गहन मंथन वहाँ जरूर चल रहा है और होता है NCERT में भी कि किताबों को कैसे रुचिकर बनाया जाए। आप पहले पुरानी, मेरे को याद है कि हमारे टाइम में कहानी किताब पहली किताब या दूसरी किताब होती थी रानी मदन अमर, सिखाने के लिए बच्चों को मात्रा शब्द सिखाने के लिए रानी मदन अमर कहते थे, पहला लेसन होता था। अब रानी मदन अमर हमने भेज दी अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में जहाँ NCERT किताबें, उन्होंने कहा हमारे बच्चे तो आर एब्सोल्युटली डीलिंक्ड विद रानी मदन अमर, हमारे बच्चे हमारे यहाँ तो देवांग अपांग ऐसे नाम होते हैं, तो रानी मदन अमर हमारे यहाँ क्या करेगी। तो किताबें फिर वहाँ की लिखी गई। तो NCERT ने बहुत मंथन है, मैं सिर्फ आपका ध्यान, पता नहीं आपके पास आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, जो अपूर्व पंत ने कहा था कि नैतिक शिक्षा की बात होती थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, जैसे सावरकर जी की कथा है या और कथाएं जो नैतिक शिक्षा की बात थी वो आज भी बच्चों को उतना ही प्रेरित करती हैं। इसी तरह हमारे एक एक्सपर्ट आए थे मनमोहन चौधरी, शायद आपको जानते हैं, आपके उपनाम से आपको पुकार रहे थे, मनु मनु करके, मनु बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उन्होंने भी ये कहा कि वो शायद उनका कमेंट पढ़ लीजिएगा, यदि भट्टी होंगे या बगोड़ा जी होंगे इनके लिए पॉसिबल होगा कि उनके कमेंट, वो उन्होंने भी आपसे थोड़ी सी असहमति दिखाई है आपके कमेंट से। स्वागत है सर,
असहमति का स्वागत है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। देखिए कहानियों में अगर नैतिक शिक्षा नमक की तरह घुसी हुई हो उसमें हमें कोई राग नहीं है, लेकिन जब आप किसी कहानी को सुनाते हैं और फिर कहते हैं बच्चों इससे ये शिक्षा मिलती है, इससे हम हमारी घोर आपत्ति है, उससे आपत्ति है। बच्चे दूसरी बच्चों को क्या ये जो अगर संदेश ऐसा गया है कि मैंने नैतिक कहा, हाँ बच्चे अच्छा दूसरी बात एक बात बताइए कि जो आप चर्चा कर रहे हैं इस समय, जो आपने सात एक तिल में सात भाइयों को बांटने वाली कहानी सुनाई जोशी जी आपने, तो आप उसमें ये क्यों कहें बाद में कि इससे ये शिक्षा मिलती है कि खाना बर्बाद न किया जाए। अरे एक जैसे एक चित्र में 1000 बयान होते हैं, इसी प्रकार एक कहानी में 10,000 संदेश हो सकते हैं, और हर बच्चा अपने तरीके से उसको लेना। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि इस कहानी से ये संदेश मिलता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को डाकू बनाना सिखाऊं। मैंने ये कोई भी बच्चा देखिए वो दुबे की बात कर रहे हैं आप ना, दुबे की नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। वो जो दुबे है उसकी माँ ने क्या कहा, उसने तब भी कहा देखिए, उसने कहा मेरा कोई संपर्क नहीं है उससे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जेल में सड़े, जिंदगी भर जेल में मरे, लेकिन ऐसे ना मरे वो, उसकी उसका उसकी उसका एक कथन है, मदर का स्टेटमेंट था मदर का। तो हम कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को अनैतिक नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन समाज तो समाज में तो अनैतिकताएं हैं, समाज में तो बुराइयां हैं, बच्चा अपने अनुभव से सीखे ना। आप अच्छा अगर हम ये कह रहे हैं कि भारत देश में 47 के बाद हमने कितने नीति वचन सुनाए, कितने नीतियों की कथाएं सुनाई, तब तो हमारा मुल्क या पूरी दुनिया में एक भी अपराध नहीं होने चाहिए, तो फिर क्या कमियां हैं? इसका मतलब हमारे अंदर नैतिकता नहीं है, और हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे नैतिक बने। क्यों भाई राजा हरिश्चंद्र क्यों बने? बच्चा वो बने जो बनना चाहता है। मैं क्यों कहूं कि वो वीर अब्दुल हमीद बने, वो एपीजे कलाम आजाद बने, वो बने जो बनना चाहता है, वो जो है महात्मा गांधी के बाद महात्मा गांधी बना क्या? हम ये प्रभावित करना अलग सवाल है, लेकिन हम किसी कहानी से बच्चों को ये क्यों कहें कि देखो बच्चों तुमको भी देश की सेवा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके अनुभव से मनोहर भाई हम पे बड़े लोग बहस कर रहे हैं, बेहतर ये होता है कि हम एक कहानी इस शो में 5 बच्चों को बुलाते, उनसे पूछते कि तुम क्या चाहते हो भाई, ये तो हम 3 बहस कर रहे हैं, हम तीनों बड़े हो गए हैं। नहीं नहीं वो बहुत अच्छा, अंजना ने भी दिखाया है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला घर है, जो कुछ घर में देखता है सुनता है वही आचरण करता है। अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि वो प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं मैं एक जो बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जोशी जी ने अभी कहानी सुनाई वो किस काल की कहानी सुनाई? मुकेश बवाड़ा जी ने जो कहानी सुनाई वो भी उन्होंने जो बचपन में कहानी पढ़ी वो सुनाई। हम कितना कहानियों के साथ हैं, हम अध्यापक साथी जो लोग हैं, हम आज की कहानियां कितनी पढ़ते हैं? हमें अपने बचपन की कहानी याद है जो हमने एक अदद पुस्तक में कहानियां पढ़ी थी। अरे हमें समृद्ध होना होगा, 100-150 कहानियां मेरे पास हों प्रातःकालीन सभा में सुनाने के लिए, तब हम बात करें नैतिक वचन की, आदर्शवादिता की। हमारे पास तो कुछ है नहीं, बच्चों से हम बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। मैं माफी के साथ कह रहा हूँ उन अध्यापकों को कह रहा हूँ जो इसको बहुत हल्का समझते हैं, भाषा को बहुत हल्का समझते हैं। भाषा की कक्षा में क्या किसी भी कक्षा में हर अध्यापक के पास 100-150-500 कहानियां होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी तो किताब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी तो 20-25 कहानियां हो जो मैं एक के बाद आपको सुनाऊं। अब बच्चों से उम्मीद करें, इसमें एक नया सवाल निकल के आता है मनोहर जी आपके लिए कि तो फिर शिक्षक को मुझे एक बार बताइए हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों लोग क्या कर रहे हैं? क्या इसमें कोई कहानी नहीं बन रही है? ये जो कमेंट आए इनमें सारी कहानियां हैं, दर्शक लोग बताइए कौन कौन सी कहानियां बन रही हैं? नहीं आने आने वाले समय देखिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि एक क्लास हो, एक लेक्चर दे रहा हो, लोग सुन रहे हो। जीवन की पढ़ाई का कौन जिम्मेदारी लेगा? जीवन की पढ़ाई एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। अधिकारी लोग घुमाते हैं कहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं संवेदनशीलता है, कहीं ना कहीं समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक अध्यापक के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं मुझे जो तनख्वाह मिल रही है, मुझे जो पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पा रहा हूँ, चाहे कहीं भी दे रहा हूँ, हालांकि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी, और शिक्षा मंत्री जी ने कहा है आज, बड़ी अच्छी बात लगी, हमें बड़ा अच्छा लगा
फक्र महसूस हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर एक किताब जिंदा है तो अध्यापकों की वजह से जिंदा है। गीता गैरोला जी एक मैम है, अधिकारियों को बोलती है हमारे अधिकारियों की तुम्हें अपने विभाग में हीरों की परख नहीं है, तुम्हारा विभाग हीरों और जवाहरतों से भरा हुआ है। ये टिप्पणी है उनकी, समाज की टिप्पणी है हमारे लिए। तो कहने का अभिप्राय बात सिर्फ इतना है कि हम अध्यापकों को भी समृद्ध होना होगा अपने साथ साथ बच्चों के साथ। बच्चा देखिए, आप एक बच्चे को बाजार में ले जाइए, चाहे वो हल्द्वानी का बाजार हो, चाहे मुंडेश्वर का बाजार हो, चाहे देहरादून का बाजार हो, चाहे पौड़ी का बाजार हो, बच्चा हमसे ज्यादा उस मार्केट में मिलने वाली चीजों के बारे में जानता है, जबकि आप उसे केवल चार बार ले गए और आप वहाँ रोज सुबह शाम चक्कर मारते हैं। तो अभी एक ही और याद आ गई मेरे को, जब आपने पाठशाला की बात की, बच्चों की बात की, तो आज से शायद 6-7 पहले की बात है, कहीं एक वर्कशॉप में आपके साथ में गया था, तो आपने पाठशाला बने जीवन शाला करके शायद कुछ बात रखी थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, तो थोड़ा आप बताएंगे पाठशाला और जीवन शाला का जो राजकीय इंटर कॉलेज है। हम मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए शायद इस बात को। बहुत बहुत, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ गया। आप तो जीवन शाला में कैसे बदले? जी जी, जीवन सीधी सी बात है, आप केवल एक अध्यापक नहीं है, आप उसके साथ नाटककार भी हैं, आप उसके साथ एक व्यंगकार भी हैं। हमारे देव की नंदन भट्टी हैं, क्या हैं, केवल अध्यापक हैं? बहुत अच्छे रंग करते हैं, बहुत अच्छे संचालक हैं, बहुत अच्छी संवेदनाएं हैं, थिएटर के आदमी हैं। जोशी जी की तो बात ही क्या कहते हैं, हर फन मौला है, हर फन। एक अध्यापक को अपने सब्जेक्ट के अलावा 2-3 कौशलों में माहिर होना चाहिए, ये हमारा NCF 2005 भी कहता है और गांधी जी की नई तालीम भी कहती है, गांधी जी की। तो जो जीवन शाला की बात है वो केवल देखिए, हम ठीक है, मेरे को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, मुझे अपनी हिंदी पढ़ानी चाहिए, आपको अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, आपको मैथ्स पढ़ानी चाहिए, लेकिन बच्चे हमसे ऐसे भी तो सीखते हैं कि क्या मुझे हल लगाना आता है, क्या मुझे खाना बनाना आता है, क्या मुझे पेड़ पे चढ़ना आता है। 20 साल से मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उसके नीचे जो नदी बह रही है उसका नाम नहीं जानता मैं, तो जीवन शाला कैसे बनेगी? बहुत बढ़िया बात आपने कही, नदी का हमारे हमारे अधिकारी हमारे स्कूलों में आते, माफ कीजिएगा, मेरे हमारे बहुत सारे अधिकारी बहुत सकारात्मक हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे अधिकारी अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पूछ लेंगे, अरे उससे ये पूछो तेरे ग्राम प्रधान का नाम क्या है। मतलब एक बात कह रहा हूँ मैं, कोई आलोचना जी, बहुत सही बात कही जी जी हाँ जी, हमारे होश ही जीवन शाला पे आ गए, घोष होश आ गए, घोष होश जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। समोली जी, आपने एक बार यमलोक की यात्रा की थी, वो क्या था? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने सुना है कि एक बार आपने यमलोक की भी यात्रा की थी, उसके बारे में बताइए। तो ये अकेले क्यों गए, आपको भी नहीं लेके साथ में? ये यमलोक को ले जाए भोगुरा जी, आप तो सर्ग लोग जाएंगे ना, हट जाओ साथ में, भोगुरा जी आप सर्ग लोग जाएंगे, यमलोक क्यों जा रहे हैं आप? नहीं, मैं भट्टी की बात कर रहा हूँ, भट्टी ने याद दिला दिया, एक यमलोक का यात्री करके कहानी है, यमलोक जैसी रखी है ना। तो भट्टी, वो कहानी मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उसका जो सार है वो ये है कि वो चित्रगुप्त है ना, उसमें जब जो उसका बही खाता देखता है तो वो कहता जाओ जरा धरती में जाइए और जरा धरती का हाल देख के आइए। तो वो यमलोक का जो यात्री है वो चित्रगुप्त कहते हैं शायद उसको, मुझे अच्छे से याद नहीं, माफ कीजिएगा। तो धरती में आता है तो धरती की हालत देखता है, भारत में घूमता है, कहता है यहाँ तो इतनी आबादी है, कोड़ों का घर है, अजगरों का घर है, सफेदों का देश है। वो जाके बताता है यमराज को कि महाराज वो धरती नहीं रही जो पहले थी, इन 100-150 सालों में धरती का कचरा बना दिया मनुष्य ने। वो इस तरीके की एक कहानी थी जो अच्छा याद दिलाया भट्टी ने। तो उसमें हमने कोई हाँ भले ही हम चाहे मिथक यमलोक ले आए, लेकिन बच्चों में वो देखिए फिर संदेश वाली बात आ गई कि उसमें कोई संदेश नहीं दिया, लेकिन बच्चे अपने आप उस कहानी को पढ़ते हुए समझते हैं कि यार धरती के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। धरती को हरा भरा हमारे पुरखों ने दिया था, लेकिन हमने उसको बेकार कर दिया। बच्चों को कहते रहिए पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए, खुद पेड़ नहीं लगाएंगे, खुद पेड़ों को काटते रहेंगे, तो बच्चे पेड़ों से कैसे जुड़ेंगे? ये जो संवेदनशीलता वाला मामला है वो हमारे आचरण में भी तो होना चाहिए। जी सर बिल्कुल। चमोली जी, आपने एक बार चांद का स्वेटर भी बनाया था, वो कैसे बनाया था? हाँ, वो चांद का स्वेटर मेरे पास है, मैं आपको जरूर वो उसको जरूर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल चांद का स्वेटर अ
अब ये मेरी कहानियों पे आ गए हैं तो भट जी, मेरा निवेदन ये था कि मेरी कहानियां लोग खुद तलाश करें, पढ़ें, अपने आप खोजें, और यहाँ मैं और कहानियों की बात करूं जो बहुत अच्छी कहानियां हैं। तो लेकिन फिर भी आपने जो एक जिक्र कर दिया है तो मैं उसको जरूर रख देता हूँ आपके सामने। ये एक कहानी की किताब है मेरी, चांद का स्वेटर, और इसमें जगदीश जोशी जी हमारे कुमाऊं के चित्रकार थे, अब नहीं रहे, उन्होंने ये चित्र बनाए हैं इसके। तो इसमें बहुत जल्द बहुत छोटी कहानी है कि मैं वैसे ही सुनाता हूँ आपको, या ऐसे करके कि जाड़ा, देखिए ये बच्चे के लिए एक किताब है, जाड़ा आया, जाड़ा आया, कितना अच्छा चित्रण है, देखिए कितनी सुंदर चित्र बनाए, केवल दो पेज में केवल एक वाक्य, जाड़ा आया। अब आप कहेंगे जाड़ा आया, इससे बच्चे क्या सीखेंगे? जाड़ा आया आपने सिर्फ इतना अगर बताया क्लास में भी, तो चित्रण कितना हो सकता है, कितनी बात हो सकती है इसमें कि जाड़ा क्या है, मौसमें क्या है, ठंड क्या होती है, गर्मी क्या होती है, मजदूर गए कोरोना काल में, पैदल गए, कितनी बात कर सकते हैं हम, 10 दिन बात कर सकते हैं केवल इस वाक्य में। जोशी जी सहमत होंगे कि केवल एक कहानी का एक वाक्य में हम क्लास में घंटों बात कर सकते हैं, और पूरी दुनिया जोड़ सकते हो, पूरी दुनिया जोड़ सकते हो। अब कहानी पे आते हैं, जाड़ा आया, उसके बाद आया, सिया मम्मी से लोरी सुन रही थी, सिया उस लड़की का नाम है, चंदा मामा दूर के हुए पकाए पूर के। रिया ने, सिया ने पूछा, मम्मी क्या चांद को जाड़ा नहीं लगता, सर्दी की बात है ना। तो वो बच्ची पूछ रही है माँ से, जो माँ लोरी दे रही है उसको, थपकी दे रही है, सुला रही है, उसने पूछ लिया माँ से कि माँ चांद को जाड़ा नहीं लगता। तो माँ कह रही है कि हाँ लगता है, जाड़ा लगता है चांद को, माँ कह रही है, वो आसमान में अकेला जो है, उसका तो कोई नहीं, ना कोई संगी, ना कोई साथी, कोई नहीं। सिया सोते सोते मतलब उदास हो जाती है, सोने जा रही है लेकिन उदास हो गई, मम्मी की बातें सुनते सुनते वो सो गई। अब सपने में उसके जो है एक भेड़ आती है, भेड़, वो कहती है सिया मेरी ऊन ले लो और चांद के लिए स्वेटर बुन लो। भेड़ ने उसको ऊन दे दी। फिर एक मकड़ी आती है, मकड़ी कहती है मैं जाला बुनती हूं और उस चांद के लिए मैं स्वेटर बुन दूंगी, मकड़ी ने कहा। फिर तितली कहती है कि स्वेटर मुझे दे दो, मैं उड़कर चांद को स्वेटर दे आऊंगी। सिया ताली बजाती है, उसका सपना टूट जाता है, वह खिड़की खोलती है तो आसमान से चांद मुस्कुराता हुआ कहता है थैंक यू मेरी दोस्त, कहानी खत्म। क्या क्या हुआ? तो ये बच्चों की दुनिया की चीजें हैं जो बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं। चंदा चंदा मामा नहीं कहा सर, सर ये एक कहानी थी सर। जी तो और बड़ा मन कर रहा, बड़ा मजा आ रहा आपके साथ बात करके। जी आप तो बहुत कमाल लिखते हैं, और मैं अगर बॉलीवुड में होता चमोली जी ना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ सर। जी चमोली जी आप मुझे सुन? मैं सुन पा रहा हूँ जी, सुन पा रहा हूँ। मैं अगर बॉलीवुड में होता तो मैं आपके ऊपर एक कहानी लिखता, एक कहानी लिखता, अनु वर्ड्स मनु। इनको सख्त सख्त एतराज है बॉलीवुड शब्द से, बॉलीवुड मत कहिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहिए। सर आपका एतराज हम बाद में ले लेंगे, मैं जोशी जी से भी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा सर का एतराज हम बाद में ले लेंगे सर। मैं नहीं, पर फिल्मों की, बिल्कुल फिल्मों की दुनिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवर्ड्स मनु की बात करता हूं तो उनका आपके आपके लेखन में, आपके लेखन में चमोली जी, आपके लेखन में वो, मैं जो अनुवर्ड्स मनु की बात कर रहा था, तो अनु जी का कितना रोल है आपको? अब ये सार्वजनिक मंच है पर बहुत बड़ा रोल है सर, और वो भी लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। अभी हमारे दो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, जिम्मेदारी है, तो थोड़ा एक ही आदमी भगत सिंह बन सकता है तो। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों अपने स्कूलों में अपने साथियों के साथ बहुत मेहनत करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, ये महत्वपूर्ण काम हमारा जो स्कूल में पढ़ाना है, और ये बच्चों की जो दुनिया है उनको संवेदनशीलता के साथ इस समाज का हिस्सा बनाना है, ये हमारा बड़ा काम है। ये तो सहायता सहायक के तौर पे हमारा काम है कहानी लिखना, लेकिन संवेदनशीलता के साथ अगर हम अपने बच्चों के साथ
जुड़ते हैं। देखिए, एक इंजीनियर का काम तो उसके पुल से दिखाई देता है, एक पुलिस वाले का काम चोर को पकड़ने से या एनकाउंटर करने से दिखाई देता है, एक वकील का काम उसके मुकदमे हारने और जीतने से दिखता है, लेकिन हम अध्यापकों का काम तो सालों बाद दिखता है ना सर। 20-25 साल बाद जब हमारा बच्चा हमको मिलता है, जब वो जीवन की पढ़ाई कर रहा होता है, अपने बच्चे पाल रहा होता है, तब वो बोलता है, गुरुजी पहचाना मैं आपका बच्चा हूँ या मैं आपकी बच्ची हूँ। तो हमारा तो रिजल्ट बहुत बाद में मिलता है, हमसे एक साल में आप उम्मीद मत करिए। आप मतलब मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ जो अध्यापकों के प्रति नकारात्मक सोच रखता है। हमारा रिजल्ट तो ये दुनिया है। मैं बिल्कुल बड़े जिम्मेदारी के साथ ये स्वीकार करता हूँ कि समाज में जो बुराइयां हैं उसके जिम्मेदार हम भी हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, पर हम अकेले जिम्मेदार नहीं है। हम आज भी माँ बाप से ज्यादा बच्चों को हिदायतें देते हैं, उनको सलाह करते हैं, उनको समझाते हैं। हर अध्यापक, हर संवेदनशील अध्यापक आज भी पूरी ईमानदारी के साथ उन बच्चों के साथ लगा हुआ है। और मैं तो तमाम ऐसे अध्यापकों को जानता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों आपने ऐसा अवसर दिया, वो भी 27वें दिन। मतलब अगर हम 27 वां 100 कह रहे हैं इसको, तो 40,000 शिक्षक तो उत्तराखंड में है, मैं 27वां कैसे हो गया? मुझे तो 40,000वां अध्यापक होना चाहिए था। इतने सारे अध्यापक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 28वां या 29वां 30वां मान लेते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे अध्यापक अध्यापिकाएं मौन रहकर गुप्त रूप से बच्चों के लिए काम कर रही हैं, अपने वेतन से पैसा लगा रही है, लेकिन कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई प्रचार नहीं, आपके मंच पे भी नहीं आएंगे वो लोग, मंच के भूखे भी नहीं है वो। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये जो सकारात्मकता है ये तो हमारे सबके अंदर आनी चाहिए। मेरे ख्याल है भट्टी की बीच में आवाज कट जा रही है जी, आपको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं पानी पीने के लिए। तो हमारे सेगमेंट है जिसमें सवाल पूछते हैं, दो उनके जवाब हम तलाश लिए क्विज करते हैं। तो कल का पहला सवाल था, कि भारतवर्ष के किस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का नाम एक फल के नाम पर रखा गया है? बताइए जी, बताइए उत्तर आया था इसका, ठीक उत्तर था, मैं नाम भूल गया किनका था। मुझे तो काशीफल ही समझ में आता है सर। काशीफल? मुझे तो काशीफल समझ में आता है सर। अरे नहीं, काशी तो, काशी के दूसरे अर्थ होते हैं, लेकिन ये जो पर्यटन स्थल है इसका शायद वंदना जी ने दिया था या रजदीप उपाध्याय जी ने दिया था, किसी ने उत्तर दिया था। ये है चंदेल वंश में 11वीं शताब्दी में खजुराहो, खजूर पे उस पर्यटन स्थल का नाम रखा गया। उसके यदि आप वहाँ पे जाएंगे तो जो जहाँ पे एंट्रेंस है खजुराहो की, वहाँ पे एक पेड़, एक द्वार है, द्वार पे शिल्पकार ने दो खजूर के वृक्ष बना रखे हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह भी एक कारण है कि वहाँ पे उसका नाम खजुराहो रखा गया, तो वो फल खजुराहो था। नेम द इंडियन एंट्रेंस इसका दे दिया था, मैंने कहा भी था वंदना जी को कि इसका उत्तर श्रीमान सत्यजीत रे हैं। सत्यजीत रे साहब जो थे बड़े संवेदनशील थे, बहुत अच्छे फिल्मकार थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए बहुत लिखा और बच्चों का अपने बचपन की यादों की एक पुस्तक भी, मैं अभी नाम भूल गया क्या है, आपको कल बता दूंगा आप देखकर अपने नोट्स में। और हाँ दिया उन्होंने, थोड़ा सा दिया उन्होंने सत्यजीत रे दिया था, लेकिन एक किताब का नाम और बाल पत्रिका जो उनके फादर या उनके दादाजी ने शुरू की थी उसका संपादन भी किया उन्होंने काफी सालों तक। और फिर अब वो पत्रिका निकलती है नहीं निकलती मुझे नहीं पता, लेकिन एक किताब उन्होंने अपने बचपन की यादों को लिखी जो उन्होंने कौन सा वहाँ पे बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल था, और कैसे वो जब फिल्मकार बन गए तो एक यूनियन के लिए उनको बुलाया गया और उस यूनियन में उनको लगा कि मैं क्या, मैं स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि वो जब स्कूल में थे तो करीब 5 फुट के थे और जब वो बाद में गए उस स्कूल में तो वो 6.5 फुट के हो गए थे, तो उनको डेस्क भी छोटा नजर आने लगा, उनको दरवाजे भी छोटे नजर आने लगे। काफी रोचक संस्मरण उन्होंने उस किताब में वर्णित किए हैं। तो सत्यजीत रे साहब जो हैं वो उत्तर था उसका। इतिहास में वर्णित पात्रों को लेकर एक अविवाहित फिल्मकार द्वारा बनाई गई पुरस्कृत फिल्म जिसके अंत में पर्दे पर दी एंड नहीं आता, एस लिखा हुआ आता है, कौन है ये जी? तो कौन सी फिल्म है ये? अभी मनोहर जी फिल्मों की बात कर रहे थे, पहला सवाल है ये जी।
an awarded period film which with historical characters made by an unmarried person. आज का पहला सवाल है जी सर. Ends with the word S. इसको मैंने अपने दोस्तों के बीच में भी सर्कुलेट किया था, मुझे फटाक से उत्तर आए, फटाक. अब मैं तो चकित रह गया कि यार मतलब लोग बाग इतनी रुचि रखते हैं. दूसरा प्रश्न है आज का, एक संगीत निर्देशक द्वारा 13 हिट गानों के साथ एक त्रिकोणीय फ्रेम पर आधारित फिल्म बनाई गई जिसके गीत रिकॉर्डिंग में संगीत निर्देशक और गायक के बीच ऐसा मनमुटाव हुआ कि उन्होंने कभी एक साथ काम नहीं किया. वो क्या किस्सा था? किस्सा ढूंढेंगे हम कल किस्सा गोई में. और इस ये जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ना सर, इसका नाम हम KYC रख देते हैं. KBC तो नहीं रख सकते, KYC नो योर कंट्री रख देते हैं. KYC के अंदर दो प्रश्न, नो योर कंट्री, ठीक है. भरजी आप सुन पा रहे हैं मुझे? KYC रखते हैं. मैं नहीं सुन पा रहा आपको, आप फ्रीज हो गए हैं. यू आर फ्रीज्ड. आपके इंटरनेट की बड़ी समस्या है यार. हेलो, भटजी फिर वो उसमें आ गए हैं. तो आपने जब खजुराहो का जिक्र जब आपने किया तो मैं आपको बताना चलूं, अल्मोड़ा में चौखुटिया से जब आप ऊपर को पहाड़ पाए ये ताज पताल होते हुए चलेंगे तो एक गांव है उसका नाम है खजुरानी. अब वो मतलब करीबन 5,500 फीट की हाइट पे खजूर के बहुत सारे पेड़ है वहाँ पे, उसके नाम पे उसका खजुरानी गाँव. अब और चौखुटिया भी है वहाँ पे. चौखुटिया से जब आप तड़ाक ताल की तरफ जाएंगे, तड़ाक ताल तक उस समय पैदल जाना पड़ता था चौखुटिया के बाद से, अब तो खैर सड़क बन गई है. मैं आज से करीबन 14 साल पहले गया था वहाँ पे. तो खजुरानी गांव का नाम इसलिए पड़ा है कि वहाँ खजूर के बहुत सारे पेड़ है, जंगल करीबन 5,500 फीट की ऊंचाई पे, चीड़ के जंगल के बीच में खजूर का जंगल है. कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा. जी जी जी. और अभी मनोहर जी आ गए हैं तो जब मैं बीच में जब ये चांद के ऊपर कविता सुना कहानी सुना रहे थे तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. तो मुझे चांद के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी कविता याद आ गई जो मैंने कक्षा 3 में पढ़ी थी. हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे मूल का उल्टा एक झिकोला, संसद चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता. गायब हो गए वो भी. ये बहुत अच्छा हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट जो है ये, या दे विदे हो जाते हैं, विदे हो जाते हैं फिर सदे हो जाते हैं फिर सदे होते हैं तो फिर विदे भी आ गए. मुझे लगता है भटजी इसमें कुछ भटजी का हाथ दिखाई देता है इसके पीछे. नमस्कार बड़ा जी. नमस्कार यार. ये तो आप वही वाली बात हो गई. बढ़िया है. इंडिया में कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हो तो उन्होंने किया है. दरअसल सर देखिए सर, हम लोग एक नियम होता है, बहुत जरूरी है उसका. एक नियम होता है कि उसके पास कुछ रेडीमेड अपराधी रखे रहते हैं, कोई कुछ करे तो ये पहले इसको पकड़ लो. तो मुझे भी जब कुछ नहीं मिलता है भट्टी को पकड़ लेता हूँ, ये भट्टी जरूर बढ़िया काम है. तो मनोहर जी हम बात को आगे बढ़ाते हैं. मधु कृष्ण लिख रही है, सबको प्रणाम, बहुत बढ़िया मुहिम चलाई जा रही है. और वो कह रही है कोई जरूरी नहीं कि हर एक देखने वाला टीचर हो, लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा है और समझाने का ढंग भी अच्छा है आपका और स्टोरी बताने का जो तरीका है आपका बहुत अच्छा है. धन्यवाद मधु जी. इसी तरह से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं हमारे पास में, मैं सबको एक बार कोशिश करता हूँ एक दो को. हाँ मनोहर भाई, एक चीज मैं भूल गया जो पूछना बहुत जरूरी जो था. हेलो, आजकल जब ये शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम का ज्यादा दौर, सुन पा रहा हूँ, अंग्रेजी माध्यम का ज्यादा दौर चल रहा है, हर एक अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे अंग्रेजी सीखे और आप हिंदी में सारी सदैव विदेह का खेल जारी है.
शांता का कोड चालू आहे लिख रही है सर आप लोगों के द्वारा जरूरी नहीं है कि हर एक देखने वाला आपको टीचर ही हो लेकिन जो जी वो भट्टी जी ने अच्छा लगा पढ़ लिया वो भगुना जी ने पढ़ लिया समझाने का ढंग भी बहुत अच्छा है और साथ ही स्टोरी भी कमेंट चलाइए वो भी बहुत अच्छी थी आप लोगों का तरीका बहुत अच्छा है आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से राकेश पोखरियाल जी पूछ रहे हैं मनमोहन जी ज्ञान बेकार है तो ये हमारी एक शिक्षक ये मधु विष्ट है पता नहीं शिक्षिका है या किसी अन्य समुदाय से है जी वो राकेश पोखरियाल जी का भी एक सवाल है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन तो देखिए पोखरियाल जी आप तो अध्यापक हैं और ये जो मसला है ना कि मैं दूसरे को जगह दीजिए दूसरे को सम्मान दीजिए कोरोना में तो सारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं सब बदल के थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत आ रही है पोखरियाल जी का जी जी मैंने पढ़ लिया सर वो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ तो जब मैं पहली बार दिल्ली गया मेट्रो मैंने पहली बार देखी तो चार पांच मेट्रो निकल गई और मैं चढ़ नहीं पाया क्योंकि लोग धक्का देके चढ़ रहे थे और हमको हमारे गुरुजनों ने हमारे समाज ने हमारे संस्कार ने ये सिखाया कि भाई धक्का नहीं देना है लेकिन जब दो दिन साथी ने वहां देख लिया कि यार ये तो ऐसे चढ़ नहीं पाएगा उन्होंने कहा गुरु जी ऐसे नहीं कर पाओगे यहाँ तो घुसना पड़ता है धकियाना पड़ता है तो मेट्रो में सफर करने के लिए आपको वो जो आपके अंदर है ना कि आप पहले वो मामला छोड़ना पड़ता है। कोरोना में हमने क्या किया कोरोना में हमने बहुत सारी आदतें बदली ना तो ऐसे ही जो हमारे छात्र हैं उनके व्यवहार में जो बदलाव आता है वो उसका हम एक उंगली है और ये जो पांच चीजें हैं जिसमें समाज है अध्यापक है अधिकारी हैं पाठ्य पुस्तकें हैं और स्कूल है इनका भी बड़ा रोल है तो मुझे उन अध्यापकों से मैं माफी के साथ कहता हूँ अरे वो मेरा चेला है अरे वो मेरी चेली है तो जो अपराधी हैं वो किसके चेले हैं ये इतना फक्र और इतना गुमान की सफलता पे अपने को छोड़ देना हमको सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तो इनके अध्यापक ये जिम्मेदारी लेंगे दुबे के अध्यापक ये जिम्मेदारी लेंगे कि ये जो एनकाउंटर में मारा गया इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी भूमिका थी तो हमको ये लगता है कि हम ही नहीं करते किसी बच्चे को और जो एक मैम ने कहा कि सब लोग यहाँ पे टीचर नहीं है एक मोची एक कुम्हार एक घास काटने वाली महिला टीचर है उससे भी हम लोग सीख सकते हैं। शिक्षक कौन है जो शिक्षक वो नहीं है जो डिग्री पास करके टीचर बन गया प्रवक्ता बन गया हेडमास्टर बन गया प्रिंसिपल बन गया वही टीचर नहीं है हम बया से गोरैया से भी हम सीखते हैं हम गुथनी से भी बहुत कुछ सीखते हैं हम लोक कथाओं से भी बहुत कुछ सीखते हैं लोक कथाएं भी हमारी अध्यापक है। एक सवाल और है जी सर समोली जी हमारे एक रंगकर्मी है महाराष्ट्र से मंगेश रोटे वो भी शो में आएंगे कुछ दिनों बाद वो पूछ रहे हैं सर जी आपके पास बच्चों ने बनाई हुई रचना हो तो प्रस्तुत करें बच्चों की भाई आप सुन पा रहे जी ये मैं इसका जवाब देता हूँ मंगेश रोड जी कह रहे हैं कि सर जी आपके पास बच्चों ने बनाई हुई रचना हो तो प्रस्तुत करें हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और जिनके जिनके साथ हम लोग काम करते हैं उन बच्चों की रचनाएं चकमक में लंदन में बाल हंस में छपती रहती है इस समय तो मैं नहीं रख पाया अपने सामने कि मुझे नहीं मालूम था ऐसा सवाल आएगा लेकिन आने वाले समय में हम इस बात को भी रखेंगे कि हमारा काम केवल अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं है जो साथी ने भी कहा था कि ये जो चीजें मुझे आप दे रहे हैं मंच दे रहे हैं तो ये मंच मैं अपने बच्चों को भी दूं जिनको मैं पढ़ाता हूं उनके साथ मैं संवेदना के साथ कहानी पे बात करूं उनके साथ मैं मूल्यों पे बात करूं जो आपने नैतिकता की बात करी वो उस पर भी हम बात करें
हमारे स्कूल ऐसे में झाड़ियों के झंकार बन गए, तो ये संवेदना अगर हम बच्चों में जगा पाए कि बेटा थोड़ा सा डिस्टेंस करते हैं, कभी बीच में अगर आ सके तो जरा अपने स्कूल को देख लेना, देखा है बच्चों हमारी कोरोना में ड्यूटी लगी है तो हम गए, तो ये सारा काम हम लोगों को करना चाहिए, हम करते हैं हम सारे अध्यापक। और ये जो संवेदनशीलता का मामला है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, देखिए इस दुनिया में बहुत सारी चीजें समय के साथ साथ बदल गई, तार चला गया, चिट्ठी चली गई, डायल करने वाला टेलीफोन चला गया, बहुत सारी चीजें, अभी स्कूलों पर समाज का भरोसा है, अध्यापकों पे, मैं अध्यापक हूँ, मेरी पत्नी भी अध्यापक है, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो दूसरे अध्यापक के पास जाते हैं, तो इसलिए हम सब लोगों को, हम जो अध्यापक हैं, मैं कोई नसीहत नहीं देना चाह रहा हूँ, कोई उपदेश नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन हमको भी तेजी के साथ अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, जो आप जोशी जी भी कह रहे थे, जो भट्ट जी भी कह रहे थे, कि हमको केवल अपने विषय का ज्ञान, अपने स्कूल के ज्ञान तक नहीं है। एक दुकानदार कहता है अरे यार तुम तो स्कूल तक सीमित हो, तुम्हें क्या पता, ऐसे ऐसे टिप्पणियां भी करते हैं हमारे अध्यापकों के लिए। एक दुकानदार साथी हमारे, वो कहते हैं यार तुम तो अध्यापक हो केवल स्कूल तक सीमित हो, ये नौबत क्यों आ गई, यानी हम केवल विषय को पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो ये इसको हम सकारात्मकता के साथ लें कि हमको अपने स्किल बढ़ाने होंगे, हमें अपने समाज में पैठ बनानी होगी, हमें अपनी दक्षताएं बढ़ानी होगी, हमारे कौशल और बढ़े, बच्चा तो और आगे निकल गया हमसे और हम वही है, मतलब हम वही का मतलब हमारे अंदर वो तो उस तेजी के साथ चीजें नहीं आ रही हैं। जी मनोहर भाई, मैं एक चीज, आप जब आपने संवेदनशीलता का सवाल उठाया, तो एक कहानी और सुनाई जाए, एक कहानी में आपको, मैं संवेदनशीलता का जो आपने प्रश्न उठाया बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपको ये बस कहना चाहता हूँ कि संवेदनशीलता किसी घटना पर निर्भर नहीं करती है, उस घटना से हमारा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, उस पर निर्भर करती है। अभी अगर उदाहरण के लिए, अब अगर मुझे पता जाए कि कहीं कोई एक बस गिर गई, तो मैं कहूंगा हो बहुत बुरा हुआ। अब अगर मुझे जी, पता जी, एक मिनट थोड़ा मैं अपनी बात जी, मैं जरा अपनी बात खत्म कर, आप जी अनुरोध है, आप एंकर है सर, आप जो है जवाब दे सके। अच्छा सर, आप मेहमान नहीं, आप एंकर है सर, को एंकर है आप, भूल गया था आपको बहुत मौके मिलेंगे अपने अनुभव सुनाने के, चंगोली इतना समय दे रहे हैं तो आपके अनुभव भी आपके अनुभव सर भी आते रहेंगे, मैं क्षमा के साथ ये तुरंत बच्चों को रोक देते हैं, नहीं नहीं हसरात मत करो, बीच में चुपचाप बैठो, ठीक है। चलिए एक कहानी और रख देते हैं आपके सामने। ये थोड़ा सा, चूंकि हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं अपनी कहानी भी सुनाइए, तो एक किताब है, अब तुम गए काम से, तो देखिए इसमें ये कहानी मेरी है, मुझे अपनी कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी, लेकिन चलिए बात तो सुनाई जा सकती है, तो कहानी को कैसे लाया गया है इसको देखने की कोशिश करेंगे। कितना सुंदर चित्र बने हैं इसमें, अब तुम गए काम से, देखिए कोई शब्द नहीं है, तो इसमें कुछ दिखाई दे रहा होगा, मेढक है और एक ततैया उड़ रहा है ऊपर से, तालाब है, घास है, और वो मेढक के आसपास है, अब आप बताइए क्या होगा इसमें, इकोलॉजिकल भी समझिएगा क्या होने जा रहा होगा आगे, मेढक कुछ कोशिश करेगा तो भी देख सकते हैं हम, बड़े के जो कारण ना कि कौन सी किताब बच्चों की और कौन सी बड़ों की, आपको भी आनंद आएगा, बच्चा नहीं बनना है आपको, आप जो है वही बने रहिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब क्या होगा इसमें, एक मेढक है तालाब में, ततैया घूम रहा है, अब क्या होगा, मेढक कोशिश कर गया ततैया को, मेढक को उसको खाने की कोशिश, सही कुछ क्या होने वाला है, खाने की कोशिश करेगा ततैया को, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको, अब
चलिए मैं ऐसे ऐसे सुनाता हूँ, फिर उसको दिखाएंगे। हाँ, हाँ. कि वो जो ततैया है वो घूम रहा है और मेढक ने कहा अब तुम गए काम से, अब तुम गए काम से, ऐसे जीत करके उस ततैया को खाने वाला। तो ततैया ने कहा बचोगे तुम भी नहीं। अब मेढक ने कहा वो कैसे, मुझे क्या होने वाला है। ततैया ने कहा अपने पीछे देखो। अब वो अब पीछे क्या होगा, थोड़ा अनुमान लगाइए। सांप सांप वगैरह कुछ हो गए। हाँ सांप है पीछे। हाँ तो अब जो है सांप ने पकड़ लिया मेढक को। जी। अब सांप कहता है अब तुम गए काम से। तो मेढक ने कहा बचोगे तुम भी नहीं। सांप को क्या हुआ, सांप ने कहा वो कैसे, उसने कहा अपने पीछे देखो। अब बताइए अब मेढक मेढक को तो सांप ने पकड़ लिया, अब सांप नेवला होगा पीछे। जी अब आ गया जी नेवला। हाँ नेवला आ गया पीछे। अब जो है देखिए चित्र देखिए बड़े शानदार तरीके से, मेढक के हाथ में ततैया, सांप की पूंछ में मेढक और नेवले के हाथ में सांप। अब जो है नेवला कहता है अब तुम गए काम से, किसको कह रहा है, सांप को। सांप ने कहा बचोगे तुम भी नहीं। नेवले ने कहा वो कैसे, उसने कहा वो देखो ऊपर ऊपर देखो। अब ऊपर से क्या आएगा, जो अभी आपने एक आइडिया दे दिया था। अब देखिए साहब ये आया वो आगे जी ऊपर से देखिए। अब जो है अब चील ने कहा अब तुम गए काम से। चील ने किसको कहा, किसको कहा, चील ने किसको कहा होगा, नेवले को। अब तुम गए काम से किसको कहा होगा, हैं पड़जी को कहा होगा। हाँ ये वो आ रही, वो देखो जी वो आ रहा है। अब क्या होगा आगे, फिर से दिखाइए सर, फिर से दिखाइए। तो ये तो है जी वो गिद्ध। हाँ अब देखिए वो देखिए श्रृंखला पूरी पूरी, मेढक के हाथ में ततैया, मेढक को पकड़ा हुआ सांप ने, सांप को पकड़ा हुआ नेवले ने और नेवले को पकड़ा हुआ चील ने, तो ले गया जी उठा आसमान में। ठीक है सर। अब ततैया ने मेढक से कहा मुझे छोड़ दो, ततैया ने मेढक से कहा मुझे छोड़ दो मैं सबको बचा लूंगा। हाँ। वो तो ले जा रहा है आसमान में ऊपर। ये ले गया ना ऊपर। अब वो कह रहा है ततैया मेढक को कि मुझे छोड़ दो मैं बचा लूंगा। अब वो जो है मेढक ने जो है ततैया को छोड़ दिया। अब वो ततैया सुन करके गया, ये देखो गया उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ रहा है, वो जा रहा है ऊपर। अच्छा ततैया ने चील की गर्दन पर जोर से डंक मारा, सांप छूट गया। वो बढ़िया, वो गर्दन पर मारा, ये पहला स्टिंग ऑपरेशन था दुनिया का, सर्जिकल स्ट्राइक। और वो जो है उसने जो छोड़ा ततैया सांप को, नेवले को, नेवले ने सांप को, सांप और वो सारे मतलब चील ने नेवले के, चील से नेवला छूटा, नेवले से सांप, सांप से मेंढक छूट गया और सारे के सारे गिरे छलांग से। कहानी खत्म। लगता बड़ जी फिर काम से साहब। बहुत बढ़िया कहानी है सर। आज इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि लगे कि आएंगे सभी घर जद में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जी। रात इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगे कि आज तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े मकान थोड़े, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है।
बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये जंगल का कानून है, प्रकृति का कानून है, बहुत बढ़िया कहानी है चमोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा जी, जी बोलिए, अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि आप चमोली जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? मैं चमोली जी को ये कहना चाहता था कि अगर आपके सिर पे और बड़े बाल होते तो आप और अच्छे बाल सफल बाल साहित्यकार होते। सर बहुड़ा जी, ऐसा है कि जो लोग बच्चों के साथ काम करते हैं उनके बाल उड़ जाते हैं। चमोली जी और मैं, हम दोनों के बाल उड़ गए क्योंकि हम बच्चों के साथ वो बाल में बाल रंगमंच पे काम करता हूँ। स्वाभाविक बात है। तो चमोली जी बहुत बढ़िया रहा, लगातार हमारे पास टिप्पणियां आ रही हैं पूरे देश भर के शिक्षकों से, बहुत बेहतरीन आपकी कहानी सबको पसंद आ रही है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे और आप इसके बाद शो के बाद देखिएगा। और जो भी लोग इन शोज को, इन एपिसोड्स को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विविता पर जाकर फिर से देख सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं, 28 के 28 एपिसोड अवेलेबल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बाल साहित्य लिखते लिखते बहुड़ा जी के अनुसार अपने बाल गवा दिए। हम उम्मीद करेंगे ये बाल साहित्य आप लिखते रहेंगे और हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को लाभान्वित करते रहेंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी यहाँ है कभी वहाँ है, तो सभी हैं जद में, हम भी हैं और आप भी हैं, कभी हमें तो कभी आप हैं, तो आप दिखें तो मैं आपको फिर से धन्यवाद ज्ञापित करके विदाई लूं। जी बहुड़ा जी बोलिए सर। तो आपने ध्यान नहीं दिया, मनोहर चमोली जी की पत्नी पीछे से आ गई थी, मैं उनको बोल दिया था, अब तो गया काम से। वहां कोई काम नहीं आएगा ना, ये आपने बिल्कुल मिर्ची में। Absolutely. 28वें दिन में आज ने पहली बार आपने मिर्ची मंत्र दिया है। बगुड़ा जी नहीं नहीं, मिलते रहते हैं बीच बीच में, मिलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बीच में दो दिन आपको देता हूँ मैं, बीच बीच में आ गए, सदैव हो गए, सदैव हो गए। वो मैं सुन नहीं पाया, चमोली बात कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस टीचर को मैं जो भी चला था, मैं सोच रहा था कि बिल्कुल नहीं आता सर। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब कल आपसे बात हो रही थी और आपने समय दिया 11 तारीख का, तो मैं ये सोच रहा था मन में कि मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा भाई, थोड़ा गंभीर रहूंगा, लेकिन आप लोगों का जो काम है ना, आप लोगों की जो तीनों की तिगड़ी है, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वैसे ही हो जाऊं जैसे आप लोग हैं। हंसते रहिए, हंसते रहिए सर। तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा जी, जी अनुवर्ड से मनु रिटर्न्स भी आ गए, क्योंकि मैंने बहुत सारे आप सुन पाए थे क्या कहा? चलिए मैं सुना दूंगा आपको बाद में क्या कहा। आपके अनु मैडम आई थी तो बहुड़ा जी कह रहे काम से, आवाज कट रही, नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि पीछे भाई ने बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे नोट पर हमारा शो पहुंचा है और इन्हीं ठाकुर के साथ। ओके मैं भट्टी से पीछे से आई थी, उनको नमस्कार करता हूं, भगवान जी को भी नमस्कार करता हूं और जोशी जी को भी, आदरणीय जोशी जी को भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, आपने मुझे स्पेस दिया और मैं साधारण अध्यापक हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। फिर मुलाकात होगी चमोली जी। जी 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 चमोली जी, हम आशा करते हैं कि आपसे जल्दी फिर कभी भविष्य में मुलाकात होगी। आज नेटवर्क के कारण मैं आपसे रूबरू अच्छी तरह से नहीं हो पाया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जितना सुन पाया बहुत अच्छा लगा, मैं रिकॉर्डिंग खुद भी देखूंगा अभी। तो आपका बहुत बहुत आभार सर आप हमारे साथ जुड़े, आदरणीय जोशी सर का बहुत बहुत आभार और मुकेश प्रसाद बहुड़ा जी अभी हमारे साथ नहीं दिख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। दोस्तों कल शाम को हम ठीक 7 बजे फिर से हाजिर होंगे आप सबके बीच में, और कल हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे जो महाराष्ट्र से होंगे, महाराष्ट्र से युवा रंगकर्मी शिक्षक मंगेश रोटे जी।
कल उनके अनुभव कल आप सुनाएंगे, उन्होंने बच्चों के साथ रंगमंच पर बहुत ज्यादा काम किया है, तो कल हम जो आज हमने कहानियां सुनी उनको मंच पर कैसे लाते हैं, कल रोटे जी से उसका अनुभव प्राप्त करेंगे, सीखेंगे कि कहानियों को मंच पर कैसे लाएं बच्चों की, बच्चों के द्वारा, बच्चों के माध्यम से। तो कल शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़िएगा, मंगेश रोटे जी से हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, गुड नाइट, प्रणाम सर, सभी लोगों को प्रणाम।